गंगा, इस दुनिया में मुझे कोई नहीं, कोई सहारा नहीं है। आज मैं तुम्हें माँ बेटा बना के तू अपने पास रखो, माँ मैं आ रहा हूँ। इधर आ। अरे लड़का, इस अंधारी रात में घनघोर जंगल में तुम अपने माँ गंगा में प्राण को त्यजने के लिए जा रहा है, क्या बात है, क्या कारण है बाबा? हाँ, इस दुनिया में, इस पृथ्वी में बाबा मुझे कोई नहीं। कैसे नहीं है बाबा? बालपन में माँ मुझे गुजर गई, पिताजी दूसरी शादी किए, उस सौतेली माँ आई, दोनों भाई के जाल झूठ मूठ का जोड़ के जलाद के हाथ धरा दिए। जलाद जान मरने गया जंगल पर, तो वहां से मंत्री साहब ने पहुंच के हमारे जान दोनों भाई के बचाए। कहे कि सिद्ध वसन, तुम घर नहीं जाना, तुम जंगल जंगल दूर रह जाना। तो हमें बड़े भैया थे, जंगल में मुझे भूत आ गए, उनको खोज में मैं बेचैन हो गया, आज तक मुझे भेंट नहीं हुए। मैं अभी देखता हूँ कि हमारे भाई अपना प्राण त्याग के जंगल में पड़े हुए। बाबा मैंने सोचा कि मुझे पृथ्वी में कोई नहीं है, मैं अपने जान में गंगा में देता हूँ। नहीं नहीं बच्चा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, मेरा नाम मौनी बाबा है, मैं 12 बरस को आगे पीछे के हाल जानता हूँ। कहाँ तुम्हारा भाई है, चलकर दिखाओ मुझे, मैं उसको देखना मांगता हूँ। आइए बाबा दिखाता हूँ। देखा यही तुम्हारा भाई है, ये औरत कौन है? उस औरत के बाबा मैं नहीं पहचानता हूँ। नहीं, अच्छा ठीक है बच्चा, तुम अपने प्राण को मत त्याजो, एक बात मेरा मानो, तुम्हारा भाई जो मरा हुआ है ना, उसका नाम क्या है? बड़े भैया का नाम सीत, हमारा नाम बसंत। ओ, दोनों भाई है तुम, अपना भाई है। हाँ, एक काम करो, तुम लो मेरा सिंघा, जाओ तुम अपने भाई के बायां उंगली में कंगुरिया में अमृत का घड़ा है, उसे तुम चीर दो, उसमें से जो अमृत निकले ना, तुम अपने भाई को मुख में लगा देना, और उस लड़की के भी, दोनों बाबा गुरु गुरुनाथ का मर्जी होगा, दोनों जिंदा हो जाएगा। लो जा। दोनों भाई का है बाबा, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, आपने बोले कि उंगली अपने चीर के दोनों के मुख में लगा दो, हाँ, दोनों राम राम कह के उड़ जाएगा। उड़ जाएगा, ठीक है बाबा, उड़ जाएगा तो मैं आपको, मैं बहुत जाकर देखो, सीधा बाबा होइए आप। उठ गया, भैया भरे कह के पुकार रहे, लेकिन जो पूछूंगा वो सवाल का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या पूछना? पूछिए। कहो जी कहाँ तुम्हारा ग्राम, कहो जी कहाँ
जी कहाँ है तुम्हारा ग्राम, कहो जी कहाँ है तुम्हारा ग्राम, क्या है पिता का तुम्हारा नाम, क्या है पिता का तुम्हारा नाम, क्या है पिता का तुम्हारा नाम, बताओ अपने पुरठे बताओ, बोलो बताओ क्या तुम्हारा घर है, क्या पिता का तुम्हारा नाम है और क्या तुम्हारा नाम है। भैया भैया का घर पुकार रहा है, भला मुझसे तुम्हें क्या काम है। ठीक है भैया मैं बताता हूँ। भैया मणिपुर की गाँव, भैया भैया मणिपुर की गाँव, भैया मणिपुर की गाँव, पिता का महेश्वर सिंह है नाम, पिता का महेश्वर सिंह है नाम, पिता का महेश्वर सिंह है नाम, उनको घर में दो है लाल, उनको उनको घर में दो है लाल, उनको घर में दो है लाल, बड़े का सिद्ध सिंह है नाम, बड़े का सिंह है नाम, हमारा बसंत जब है नाम, ये बताए मेरे भाई तू हमें छोड़ के तुम्हें कहाँ चला गया था। नहीं भैया इस जंगल के छोड़ से अब हमको भागे थे। नहीं मैं तुम्हें कहा कि बसंत तू इसी जंगल के निकट बैठो और मैं जरामन चुन करके लाता हूँ, मैना मैनी को भूनूंगा, दोनों भाई खाएंगे और खाना बस्ती पर से लाऊंगा, तुम्हें खिलाऊंगा। तो मैंने खाना लेके आया और जरामन लेके आया तो मैंने तुम्हें यहाँ पर देखा तो तू यहाँ पर नहीं था, मैंने भटकते भटकते मैंने पागल हो गया। भैया ये बताइए कि आपको साथ में कौन, ये तुम्हारी भाभी लगेगी। भाभी है? हाँ मैं प्रणाम पाती करूं। हाँ भाभी अब यहां से मेरे साथ चलो तू और चल करके मणिकपुर को तेरी देखूं कि मणिकपुर शहर कैसा है और हमारे पिता और माँ कैसी है। हाँ भैया चलिए आओ मेरे साथ चलो। लेकिन सुनाओ जबकि मैं तो मर गया था दोनों आदमी तो हम जीवित कौन किया। देखिए इस जंगल में एक बाबा मुनि रहते हैं, मैं सामने में गंगा है, मैं सोचा कि मैं अपने प्राण गंवा लूं तो बाबा कहे क्या बच्चा रुको 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 अपने प्राण नहीं गंवाओ, तुम कहां जा रहा आधी रात में तुम प्राण तेजने के लिए माँ गंगा में। तो मैंने कहा बाबा मैं बालेपन में माँ मर गया, पिता दूसरी शादी किए, सौतेली माँ दोनों भाई के फंसा के जलाद के हाथ दे दिए, जलाद से दोनों भाई के मंत्री जी छोड़ाए, तो दोनों भाई जंगल में थे, बड़े भैया भुतला गए उनको खोजने में भी तबाह हो गया, हमारे बड़े भाई प्राण तेज हुए जी की मैं क्या करूं, उसे छबा में प्राण कमाता हूं। तुम बोले सुनो बच्चा तुम्हारा भाई जीवित हो जाएगा, तुम्हारे कनगुरिया उम्र में इमृत की धारा है, तुम इसको चीर के और मुख में खून दोनों को सटा दो दोनों जी जाएगा। ठीक है बाबा को बुलाओ। बाबा खुश रहो, ये हमारा भाई है बाबा यही है। हाँ।
जय रहो। बोलो अब कुछ कहना है हमको? बाबा कुछ कहना नहीं है, कहना यही है कि अब हमें भाई हमें मिल गया, अब कुछ नहीं कहना, लेकिन हमको यही कहना है कि हमारे पिताजी और हमारी माँ कैसी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमारे माँ को हमारे पिताजी को कि जिंदगी भर के लिए वो ठीक हो जाए। अरे अरे बच्चा वो लोग को इतना पाप ने किया है, क्या पापी ना पापी का नाम लेता है, छोड़ो उसको आशा छोड़ दो, माता पिता को आशा छोड़ दो। बाबा कसु माँ पिता न है, आशीर्वाद दीजिए कि जिंदगी भर आबाद रहेगा। तुम्हें नया लगता है माँ माता और पिता से मिलना चाहते हो, आशीर्वाद चाहिए, लो मैं आशीर्वाद उसको देता हूँ। जहाँ भी तुम्हारा माता पिता रहे दोनों, एक अंधा एक कोढ़, ये कैसा आशीर्वाद है? बंदूक से निकला हुआ गोली और साधु का मुंह से निकला हुआ बोली कभी आपस नहीं लौटता, जाओ जैसा कर्म किया तैसा फल उसको मिलेगा। ये गीता में लिखा हुआ है, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। मिलने चलो सीताराम
तन का आगे बोला ना कौन गांव तक चलवा हो चला ना कुछ दूर आगे कहा हमरा गोर दुखाइया आगे या पीछे कर पर गोर दुखा गेल तोरा भूख लागल है खैब सुना ने दुगो ढील निकल आप लोग देखिए आंख से नहीं सूझता है आई ढील हेरता है की भेला घर पूरा है ना से जे ठाट से सर गेले ओहे गिरै छ आगे बढ़ जा आगे आब आब हाँ एगो ढीलवा जहा ना से गाभिन हो हाँ ढील कहीं गाभिन हो यारे अनहोरा तोरा एक की भेला ए तू तो गिर ही रहला हो कुछ तो घर तो है उ तो गिरबे करता है ईटा बुझाए कि सरल है ओहे खरक खरक के गिर रहा हाँ ए हाँ ये जिंदवा हाई का ईटो गिरा ईटो ईटा माथा में गिरला माथा ना ना फुटला देखिया हाँ ठीक लेकिन हाँ ठीक है मनाई बुढ़िया जैसे लगातार बुढ़वा के मारे जल लगातार अहो देखो ना बड़का गो ठेला गिर गेल बाबू आहो ठड़ा भेली तैयो गिर बैठे तैयो गिर तब एक काम कर हिया से छोड़ के अगला में चल चल मालिक अपने दरवाजे पर एक कोढ़िया है और एक अनहरा है मार पीट के तो करा बर्बाद कर दिया एक अनहरा है एक कोढ़िया है तुम्हारा क्यों उसे कुछ खाना मांगता हूँ दे दो खाने की थाली जाएगी दे दिए अच्छा अच्छा ठहर जा पूछ लो अहो चाय पीबा